आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके क्लास 12th के फिफ्थ लेक्चर में, और ये फिफ्थ लेक्चर चल रहा है आपका प्रिज्म का। तो बच्चों जो लोगों ने फोर्थ लेक्चर तक नहीं देखा है वो फटाफट से फोर्थ लेक्चर देख लेंगे ताकि चीजें आगे की हो जाए आसान, क्योंकि हमें तभी चीजें क्लियर होंगी जब हमें पिछली बातें याद होंगी। आगे चलते हैं बच्चों, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके इस चैप्टर में प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए ऑलमोस्ट सारे बच्चे सुने हुए हैं कि प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है आज हम ये समझेंगे थोड़ा। तो देखिए बच्चों, ये तो बता है कि जब लाइट किसी प्लेन सरफेस पर गिरती है, जब प्लेन सरफेस पर आती है तो प्लेन सरफेस से टकरा करके जब लाइट वापस उसी मीडियम में लौटती है तो इससे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें बेसिकली रफ सरफेस से टकराती हैं, रफ सरफेस मतलब खुरदरे सरफेस से टकराती हैं, तो अपनी माध्यम में वापस लौटती है। तो अपनी माध्यम में वापस लौटती है इरेगुलरली मतलब अनियमित रूप से, तब इस घटना को हम प्रकाश का कहते हैं प्रकीर्णन। ओके, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन में एक हम लोग जो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बात कर रहे हैं वो बेसिकली आपके नॉर्मल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है। जो हम देखने के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली वायुमंडल से होने वाला प्रकीर्णन है। वायुमंडल से होने वाला प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है, वो समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा समझ ही लेते हैं कि वायुमंडल से प्रकीर्णन कैसे होता है। बेसिकली जब मैं बात करूं प्रकीर्णन के बारे में, तो जब लाइट इरेगुलर सरफेस से होती है, ऐसे ही कहानी होती है हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल में हमारे वायुमंडल के कण, जैसे गैस वगैरह के कण, जलवाष्प के कण, बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, 10 पार्टिकल मौजूद है, और इनके एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हमको दिखाई नहीं देते, और ये माध्यम में पूरी तरीके से फैले हुए हैं। जब ये माध्यम में पूरी तरीके से इस तरीके से फैले हुए हैं तो सूर्य से आने वाली किरणें ये हमारे वायुमंडल से होकर हम तक पहुंचना चाहती है और आती भी है, लेकिन वायुमंडल के कण का आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, और ये रैंडम होते हैं, अनियमित होते हैं, इधर उधर फैले होते हैं। तो इनके छोटे आकार के कारण जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती है तो इन वायुमंडल से होकर नीचे जब पहुंचती है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता उतनी नहीं होती जितनी प्रकाश की किरणें आती है। इसका मतलब बाकी किरणें कहाँ गई, तो बाकी किरणें हमारे वायुमंडल के कणों से टकरा करके उनसे अवशोषित कर ली जाती हैं। अब यह किरणें अवशोषित करने के बाद कंपन करने लगते हैं क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और इस काइनेटिक एनर्जी से जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इस अवशोषित ऊर्जा को उत्सर्जित करना शुरू कर देते हैं अनियमित रूप से, क्योंकि यह एक नियम से नहीं है। इनके आकार भी बहुत छोटे हैं और बहुत अलग अलग दिशाओं में मौजूद है, तो इनसे यह उत्सर्जन अनियमित दिशा में इरेगुलरली होता है, और इसी प्रकार से प्रकाश का इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर अनियमित परावर्तन को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यह प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण कोई और नहीं, हमारे आसपास का वायुमंडल ही होता। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों, गैस आदि से टकराती हैं तथा इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। यह किरणें, यह कण अनियमित
रूप से कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं तथा कंपन करते हुए यह प्रकाश ऊर्जा को अनियमित दिशा में उत्सर्जित करते हैं, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ में आई? कहानी क्या है? कहानी सिंपल सी थी कि छोटे छोटे जो हमारे वायुमंडल के कण हैं, इनसे प्रकाश की किरणें क्या होगी, अवशोषित हो गई, ये कंपन करने लगे और अनियमित दिशा में प्रकाश का उत्सर्जन कर दिया। इस घटना को प्रकाश का कहेंगे प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन एक्चुअली होती है। मतलब प्रकीर्णन एक्चुअली इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर मतलब आपके अनियमित परावर्तन के कारण को ही कहते हैं, अनियमित परावर्तन, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रकीर्णन होते हैं वो कहाँ होते हैं, ये आइडिया किसने दिया। तो प्रकीर्णन जो होते हैं वो वायुमंडल में होते हैं, इरेगुलर होने के कारण ये माध्यम में पूरी तरीके से ऊपर फैल जाते हैं। अब हम इसी प्रकाश के फैले हुए पार्ट को ही ऑब्जर्व करते हैं, इसी को देखते हैं। तो इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था लॉर्ड रैले ने। लॉर्ड रैले ने इस प्रकाश के प्रकीर्णन को अच्छे से ऑब्जर्व किया और कुछ चीजें हमें बताई। उस नियम को हम लोग कहते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन का नियम या लॉर्ड रैले का नियम। प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में सर्वप्रथम लॉर्ड रैले, ठीक है, ने बताया कि क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो प्रकाश की किरणें पर आपकी परावर्तित हुई है माध्यम में, प्रकीर्णित हुई है माध्यम में, ये प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता डिपेंड करती है आपके उस एटम के, जो हमारे छोटे छोटे कण हैं, उस छोटे छोटे अणुओं के साइज पर। अगर इन छोटे छोटे अणुओं की साइज जो कि होती है छोटी और प्रकाश के आने वाली तरंगदैर्ध्य की तुलना में काफी छोटी हो, तो ऐसे केस में जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होगी, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता वो डिपेंड करती है आने वाली प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर। ओके, आने वाली प्रकाश की तरंगदैर्ध्य किस प्रकार से, यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य वायुमंडल के कणों के प्रारूपी आकार, कुछ भी हो सकता है, मान लेते ए से अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित जो कि इधर उधर फैल रही है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चतुर्थात के व्युत
क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब अगर हमें इसको लिखना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं, यह है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो इफेक्टिवली माध्यम में फैलेगी वो किस पर डिपेंड करती है, वो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि ऐसे केस में जब लैम्डा की वैल्यू छोटी होगी, जितनी छोटी लैम्डा की वैल्यू उतनी ज्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात कि जितनी छोटी, मतलब कि आप छोटी तरंगदैर्ध्य का मतलब समझ लीजिए कि बैंगनी कलर और लाल कलर के बीच में अगर बात करूं तो लाल कलर का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, बैंगनी कलर का कम। तो बैंगनी कलर का कम होने के कारण जिन तरंगदैर्ध्य कम होगा उन्हीं का प्रकीर्णन जो आपको अधिक देखने को मिलेगा। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब आपके प्रारूपी आकार जो है एटम की साइज जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से छोटी हो। जब बड़ी होगी तो क्या होगा, जब बड़ी होगी तो प्रकाश का ध्रुवण होता है। ध्रुवण के बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने ही वाले हैं, जो वेव में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट। यहां तक ये बातें हो गई। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। बात क्लियर हो रही है ना कि तरंगदैर्ध्य की जितनी छोटी, मतलब कि जितनी छोटी तरंगदैर्ध्य हम तक आने की कोशिश करेगी, जितनी छोटी उनकी प्रकीर्णन भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे कहाँ कहाँ ये चीजें हमें अनुपयोग के तौर पर देखने को मिलती हैं, आइए ये समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये कैसे पॉसिबल है, तो आइए समझने की कोशिश करें। आपको जैसा कि मैंने क्या बताया कि जब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तो पृथ्वी पर पहुंचते समय सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश होता है बैंगनी कलर का, और उसके बगल में नीले कलर वगैरह का छोटा तरंगदैर्ध्य होता है। वहीं लाल कलर का, मतलब कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है। रेले के अनुसार अगर मैं बात करूं, आई प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर फोर, आई प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर फोर में लैम्डा की तरंग, लैम्डा मतलब तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश और बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य छोटा होने के कारण इनके प्रकीर्णन की तीव्रता अधिक होती है, प्रकीर्णन ज्यादा करते हैं। वहीं लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, नीले या बैंगनी की तुलना में तो ये कमी होता है। और हमारी आंखें जो होती हैं, हमारी आंखें नीले प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होती है, प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होती है। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रकाश, हमारी जो आंखें हैं वो बैंगनी और नीले की तुलना में नीले को ज्यादा डिटेक्ट करती हैं, हमारी आंखें नीले को ज्यादा गैदर करती हैं, इसलिए हम नीले प्रकाश को इफेक्टिवली ज्यादा देखते हैं आकाश में फैला हुआ। यही कारण है कि हमारे प्रकाश के प्रकीर्णन में बैंगनी और नीले इन सभी का प्रकीर्णन होता है, लेकिन हमारी आंखें ज्यादातर नीले को डिटेक्ट करते हैं। यही कारण है से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बात क्लियर हो रही है, तो ये हो गया फैक्टर, बात समझ आ गई। नेक्स्ट फैक्टर मतलब नेक्स्ट टॉपिक है आपका शाम के समय या सुबह के समय सूर्यास्त या सूर्योदय के समय आपने क्या देखा होगा। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना, बात समझिएगा। अब आपको पता है कि क्षितिज पर जब हम शाम के बारे में बात करें तो शाम को सूर्य क्षितिज पर होता है, उस समय पृथ्वी से सबसे दूर होता है। जब ये पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उस समय क्योंकि बैंगनी और नीले कलर इन सब प्रकाश का तरंगदैर्ध्य छोटा होता है, वही लाल प्रकाश का इसके रिस्पेक्ट में तरंगदैर्ध्य बड़ा होता है। ज्यादा दूरी तय करने के कारण ये पृथ्वी पर मतलब हम तक पहुंच जाता है, वही बैंगनी और नीले प्रकाश का तरंगदैर्ध्य छोटा होने के कारण यह हम तक नहीं पहुंच पाता, और इसकी छोटी तरंगदैर्ध्य के वजह से इसका प्रकीर्णन भी हो जाता है। तो लाल प्रकाश हम तक पहुंच जाता है, जिसके वजह से शाम या सुबह के टाइम पर क्षितिज पर सूर्य हमें क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। बात समझ में आ गई, इसे हम लिख भी लेंगे शब्दों में, लिख लीजिएगा यह आपका काम होगा। अब तीसरा
बादलों का सफेद दिखाई देना। बादलों का सफेद दिखाई देना मतलब टू शाइनी ऑफ द क्लाउड्स, शाइनी ऑफ द क्लाउड। अब शाइनी ऑफ द क्लाउड क्यों शो होता है हमको, ये सारी चीजें देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बादल होते हैं वो काफी कम ऊंचाई पर होते हैं, वायुमंडल में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होने के कारण आप क्या देख पाते हैं, जैसे ही आप वायुमंडल के बारे में बात करते हैं तो वायुमंडल देखिए हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वायुमंडल हम हटा दे तो हमें आकाश सब जो है वो ब्लैक दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, बात समझ आ रही। 20 किलोमीटर अगर हम अर्थ से ऊपर चले जाएं तो हमें वायुमंडल कम दिखाई देने लगता है, जिसके बाद हमें सब कुछ तारे ही दिखाई देते हैं और लगभग काला काला सारा एटमॉस्फेयर दिखाई देने लगता है। यहाँ पर क्या है कि बादल हमारे पृथ्वी पर काफी क्लोज होते हैं, पृथ्वी से कम ही ऊंचाई पर होते हैं। जब सूर्य से आने वाली किरणें इनके एटॉमिक साइज जो कि तरंगदैर्ध्य से बड़ी होती है, ध्यान दीजिएगा आपके प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बड़ी होती है, इन सभी प्रकाश का बराबर प्रकीर्णन होता है। बराबर प्रकीर्णन होने के कारण ये सब मिक्स होकर के हमको सफेद प्रतीत कराती है, जिससे हमारी आंखें बादलों को सफेद चमकता हुआ देखती हैं। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट। खतरे का सिग्नल लाल होना, मैं फिर वही बात करूंगा कि लाल रंग का होना क्या रीजन होता है, क्योंकि हमें पता है कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ज्यादा लंबी दूरी तय करने के लिए ये कारगर होते हैं। मतलब लाल प्रकाश को अगर हम अंधेरे में इस्तेमाल करें या फिर कोहरे में इस्तेमाल करें तो ये पेनिट्रेटिंग ज्यादा होता है और स्कैटरिंग कम होता है, जिसके वजह से ये दूर तक पहुंचता है, हमें विजुअल होगा, तभी हम इससे पहले खतरे से सावधान हो सकेंगे। इसलिए हमें लाल रंगों का इस्तेमाल करना होता है। आई रिपीट कि लाल रंगों का प्रकीर्णन कम होने के कारण ये दूर तक ट्रेवल करता है, तरंगदैर्ध्य ज्यादा इसलिए दूर तक जाएगी और हमें ये दूर से भी विजुअलाइज हो जाएगी, इसलिए हम सावधान हो जाएंगे। बात समझ आ गई? ओके, तो इसी के साथ हमारी इस जर्नी को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, मतलब प्रिज्म आपका समाप्त होता है। अगले क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में, मानव नेत्र के बारे में। तब तक के लिए अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, आगे के लिए वेट करिएगा। धन्यवाद।